दिखाइए कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ऑप्शन है आपके पास, बस, सीपीयू, वीएसबी और एमआईडीए। सोचिए आप लोग राइट आंसर क्या होगा इसका। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? देखिए इसका राइट आंसर होगा एमआईडीए। इसकी फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। चलिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए राइट आंसर है इसका एमआईडीए। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं सोहन आलोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आरपी कंप्यूटर एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी कंप्यूटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, उसी सीरीज में एक नया क्विज दोबारा से मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। इस क्विज में कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारे क्विज को। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शंस है आपके पास, यूनिट, पिक्सल, एरे और रिजोल्यूशन। कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखिए कंप्यूटर स्क्रीन जो आपकी होती है उसमें जो सबसे छोटी इकाई होती है उसकी, और ऑप्शंस है आपके पास यूनिट, पिक्सल, एरे और रिजोल्यूशन। देखिए सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी आपकी पिक्सल। पिक्सल से मिलके ही आपकी सारी एक पिक्चर बनती है। कंप्लीट जो डेस्कटॉप बनता है वो सारा पिक्सल से ही बनता है, ठीक है? छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं उन्हीं से एक पूरा डेस्कटॉप बनता है। चलिए राइट आंसर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए राइट आंसर है इसका पिक्सल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को स्क्रीन डैश कहते हैं। ऑप्शन है आपके पास, रिफ्रेश रेट, रिजोल्यूशन, कलर डेप्थ, व्यूइंग साइज। सोचिए आप लोग राइट आंसर। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल्स की संख्या को स्क्रीन डैश कहते हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा रिजोल्यूशन। चलिए राइट आंसर भी चेक कर लेते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, रिजोल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मॉनिटर की रिफ्रेश रेट डैश में मापी जाती है। ऑप्शन है आपके पास, हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, किलो हर्ट्स और गीगाहर्ट्स में। सोचिए आप लोग राइट आंसर। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट डैश में मापी जाती है। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट, देखिए मॉनिटर की रिफ्रेश रेट आपकी हर्ट्स में मापी जाती है। चलिए राइट आंसर चेक करते हैं। ये देखिए इसका राइट आंसर है हर्ट्स के अंदर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, पीडीए का पूर्ण रूप क्या है? पीडीए की फुल फॉर्म पूछी गई आपसे। ऑप्शन है आपके पास, पर्सनल डिजिटल एसोसिएट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डेटा असिस्टेंट, पर्सनल डायनेमिक एसोसिएट। सोचिए आप लोग राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। चलिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए राइट आंसर इसका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इंटरनेट रिसोर्सेज की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्न में से किसका प्रयोग करता है? केबल, लिंकर, प्रोटोकॉल, यूआरएल। सोचिए आप लोग राइट आंसर। इंटरनेट रिसोर्सेज की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउजर निम्न में से किसका प्रयोग करता है? देखिए इसका राइट आंसर होगा यूआरएल। इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। चलिए राइट आंसर चेक करते हैं। ये देखिए इसका राइट आंसर है यूआरएल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद डैश का चिन्ह और एक ईमेल सर्वर का नाम होता है।
ऑप्शन आपके पास एट द रेट, स्टार, हैश और एंड। एक ईमेल एड्रेस में सामान्यतः एक यूजर आईडी और उसके बाद यूजर आईडी के बाद क्या आता है? देखिए इसका राइट आंसर होगा एट द रेट। चलिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए एट द रेट, ठीक है, यूजर नाम जो आपका यूजर नेम है, ठीक है, उसके बाद एट द रेट आता है और उसके बाद सर्वर का नेम आता है, जो भी आपका मेल सर्वर है उसका नेम आता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ईडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ईडीपी की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। सोचिए आप लोग राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम, इनिशियल और पासवर्ड, विधिक नाम और फोन नंबर, प्रयोक्ता का नाम और फोन नंबर। सोचिए आप लोग राइट आंसर। ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम। चलिए राइट आंसर चेक करते हैं। ये देखिए इसका राइट आंसर है प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को डैश में ट्रांसलेट करता है। ऑप्शन है आपके पास जावा, डीम्ड प्रोग्राम एल्गोरिदम और मशीन लैंग्वेज। सोचिए आप लोग राइट आंसर। कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को डैश में ट्रांसलेट करता है। देखिए इसका राइट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज। चलिए राइट आंसर चेक कर लेते हैं। ये देखिए राइट आंसर इसका मशीन लैंग्वेज। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बायोस का विस्तृत रूप क्या है? बायोस का विस्तृत रूप क्या है? बायोस की फुल फॉर्म पूछी आपसे। ऑप्शन है आपके पास बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सोचिए आप लोग राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए राइट आंसर चेक करते हैं। ये देखिए इसका राइट आंसर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है आपके पास टेक्स्ट एडिटर, इंटरनेट, ब्रिज और राउटर। सोचे आप लोग राइट आंसर। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? देखिए इसका राइट आंसर होगा टेक्स्ट एडिटर। चलिए राइट आंसर भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका राइट आंसर है टेक्स्ट एडिटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, नेटवर्क में WEP का विस्तारित रूप है? ऑप्शन है आपके पास वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायरलेस एम्बेडेड प्राइवेसी, वायर्ड एक्स्ट्रा प्राइवेसी और वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। सोचे आप लोग राइट आंसर। देखिए इसका राइट आंसर होगा वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। चलिए राइट आंसर चेक करते हैं। ये देखिए इसका राइट आंसर है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सुपर कंप्यूटर परम विकसित किया गया? ऑप्शन है आपके पास टाटा,
आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर और सीडेक। सोचे आप लोग राइट आंसर। सुपर कंप्यूटर परम विकसित किया गया, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सीडेक। चलिए राइट आंसर चेक करते हैं, ये देखिए सीडेक, इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन है आपके पास फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सुपर डुप्लेक्स। एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डेटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है। देखिए इसका राइट आंसर होगा फुल डुप्लेक्स। चलिए राइट आंसर भी चेक कर लेते हैं, ये देखिए इसका राइट आंसर है फुल डुप्लेक्स। आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्विज कैसा लगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।